हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी या फिर व्यापम का या छत्तीसगढ़ के संबंधित किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का, तो आप सभी के लिए खुशखबरी। जी हां, जितने भी स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में निवासरत हैं, स्पेशली अगर वो बिलासपुर में रहते हैं, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस आकर वो फ्री में अटेंड कर सकते हैं। और आप बोलोगे सर कितने दिनों तक, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। मतलब हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस जब तक यहाँ पर लग रही हैं, ऑफलाइन की क्लासेस, प्लीज सुनिएगा, ऑफलाइन की करंट अफेयर्स की क्लासेस जब तक यहाँ पर लग रही हैं, तब तक आप चाहें तो अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ, जितने भी आपके यार दोस्त भाई बंधु फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं सबको बुलाइए। और हमारी जो ऑफलाइन की जो क्लासेस, जो कि मंगला चौक पर स्थित है, यहाँ पर कोको कंपटीशन कम्युनिटी, वहाँ पर आप अटेंड कर सकते हैं। आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ, दिन होगा शनिवार यानी कि तारीख 17 जून, और समय होगा शाम को 5 बजे। और ये जनरली किया जाता है मंथ में 2 बार, मतलब हर सैटरडे, एक सैटरडे जो गैपिंग रहता है उसको छोड़कर, मतलब अब अगला जो करंट अफेयर होगा 17 के बाद जो नेक्स्ट शनिवार रहेगा उसको छोड़ के उसके बाद वाला जो शनिवार रहेगा उसमें होगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप समझिए कि आपको फ्री में ये मिल रहा है, मतलब किसी भी प्रकार की आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना केवल यूँ है कि हमारे जो सेंटर है मंगला चौक पर जो स्थित है, वहाँ पर आना है ना, और सीधे सीधे आपको क्लास में यहाँ पर बैठना है और क्लासेस को आप इंजॉय करिए। मैक्सिमम नंबर्स में आइए, जितने भी आपके और दोस्त होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, आप उनको बताइए, क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जनरली यह देखा जाता है, यह शिकायतें भी हमको देखने को मिलती है कि सर करंट अफेयर्स कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि हमारे पास ना सोर्स रहता है, ना मटेरियल रहता है ना, हमको गाइडेंस भी नहीं मिल पाता। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और मैं यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ कि आप यहाँ से अगर क्लासेस करेंगे रेगुलर, मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2 या 3 क्लासेस कर ली उसके बाद नहीं सर हमको, ऐसा नहीं, अगर आप रेगुलर यहाँ पर क्लासेस करेंगे साइक्लिक फॉर्म में, तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई जो एग्जाम जो आप अभी यहाँ पर अपियर होने वाले, जो आप देने वाले हो, डेफिनेटली आपको क्रैक होगा, और करंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे नहीं छूटेंगे। तो इतना सारा चीज आपको यहाँ पर बताया जाएगा, और हमारी क्लासेस चलती कैसे हैं, स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आइए जानते हैं। सर क्लासेस बहुत यूजफुल होती है मेरे लिए, मैं जैसे कि प्री के, मतलब इंटीग्रेटेड सीटीपीएससी बैच के स्टूडेंट हूँ। ये जो आप करंट अफेयर से क्लास करा रहे हैं वो वन डे एग्ज़ाम, व्यापम के वन डे एग्ज़ाम के लिए तो यूज़फुल है ही, एज वेल एज सीटीपीएससी प्री और मेंस में वैल्यू एडिशन का काम करता है, तो ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है सर, और थैंक यू। सर जैसे कि आप करेंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं तो उसके पीछे का स्टैटिक जीके जितना भी होता है वो भी बताते हैं, जैसे आपने ग्रैंड स्लैम के बारे में बताया था तो उसके पीछे का टेनिस का, स्पोर्ट्स का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था, और साथ में WTA और ATP के बारे में भी बताया था। उसकी खासियत मुझे ये लगी कि यहाँ पे जब न्यूज़ को डाइसेक्ट किया जाता है तो उससे रिलेवेंट में जितने भी न्यूज़ होते हैं सब यहाँ पे कवर करा दिए जाते हैं। हमको उस चीज़ का फ़ायदा ये मिलता है कि न्यूज़ हमारा जो है स्टार्टिंग से लेकर कंक्लूजन तक पूरी तरीके से कंप्लीट वे में हमको समझ में आ जाता है। जी, जैसे मैं पूछूंगा कि क्या अदर सब्जेक्ट का भी इससे रिलेवेंट है, मतलब ये है कि हम करंट पढ़े तो क्या दूसरे सब्जेक्ट में यहाँ पे रिलेवेंट हो पा रहे हैं? जी सर, इन क्लासेस का स्पेशलिटी ही मुझे ये लगा कि इसमें जो है जब करंट अफेयर्स कराया जाता है तो सब्जेक्ट के पर्स्पेक्टिव में बताया जाता है, जैसे कुछ सब्जेक्ट से रिलेवेंट आया तो उस सब्जेक्ट को भी अच्छे से, मतलब थोरो तरीके से उसको भी कराया जाता है ताकि रिलेशन पता चले उस न्यूज़ का और उस सब्जेक्ट का। सो आपने देखा कि करंट अफेयर्स के क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट्स की क्या राय है, और साथ ही साथ मैंने बताया कि 19 जून को हमारा होने वाला स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम, 25 जून को शुरू होगा हमारा कोको का ऑफलाइन प्रोग्राम, कहाँ पर, गांधी चौक पर। तो आप सभी आइए, इंतजार होगा आप सभी का, मैक्सिमम संख्या में, अधिकतम से अधिकतम आप सभी उपस्थित जरूर होइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। कर लो जो भी करना है, होता है जो होना है, गुजरा तो पल ये फिर ना आएगा, क्या बुरा है क्या भला है, वक्त ही शायद खुदा है, हो जाने तो फिर देखा जाएगा। क्या हुआ जो लारी छुट्टी, किस्मत की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको।